हेलो, यस लास्ट सेकंड कहाँ तक हुआ था बेटा? कौन सर, बताएगा? कहाँ तक हो चुका था? कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? चैप्टर सेवन चल रहा था ना? चैप्टर 7 चल रहा था, अभी खत्म हो गया कि बचा? थोड़ा थोड़ा बाकी है। बाकी था। यस कहाँ पे बाकी था कुछ पता है? कहाँ तक हो गया था? सर, फिल इन द ब्लैंक्स टॉक। ये आपका मीन्स वर्ल्ड प्रॉब्लम अच्छा था। हाँ, फिर ब्लैंक्स हो गया था। शाबाश, वेरी गुड। और ये थोड़ा सा अच्छा, एक चीज मैंने और बोला था, सबने टेबल याद किया हुआ है? क्लास लास्ट टाइम मैंने बोला था। हाँ, तो अभी हम टेबल सुनेंगे, पहले थोड़ा सा हम इसको करा देते हैं, डिवाइड करा देते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम करा के ये चैप्टर आपको खत्म करना पहले, है ना? फिर आपका ओके चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आपका यूनिट 2 का सिलेबस है, इसको अच्छी तैयारी करना है, इसी तरह करो। तो सबसे सर, पहले मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, ए है डिवाइड, डिवाइड, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन आपका है 12 डिवाइडेड, दूसरा है 18 डिवाइडेड 3, ठीक है, 30 डिवाइडेड 5। हमने तीन क्वेश्चन इसमें बोर्ड पे आपका नोट कर दिया। पहला क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड 6, है ना? पेपर में आपको इस तरीके से दिया रहेगा डिवाइड, और ये इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन करके जो भी इसमें बताएंगे, तो सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे? कौन बताएगा? सबसे पहले इसको डिवाइड के फॉर्मेट में लाते हैं, ठीक है? ये इस तरीके से डिवाइड का फॉर्मेट बना लेंगे, दिख रहा है ना? ये यहाँ पे 6 लिख दिया और यहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक। उसके बाद 6 से 6 की टेबल पढ़नी है कि आपका 12 आ जाए, ठीक है, या 12 से कम रहे, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्त। हाँ, 6 की टेबल पढ़िए कि 12 आ गए। 6 2 12 ना? हाँ, 6 2 12, तो ये 6 2 लिख दिया हमने और 12 लिख दिया, तो 2 में से 2 गया कट गया, 1 में से 1 कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको भी डिवाइड के फॉर्मेट में लाइए, 3 और 18। अब 3 की, 3 की टेबल पढ़िए। सर हाँ, 3 सिक्स 6 जा 18, 3 6 18, 8 में से 8 गया, ये भी कट गया, 1 में से 1 गया, ये भी कट गया, ठीक है। 0 भी बना सकते हो, क्रॉस भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद ये वाला लाते हैं, इसको भी इस तरह फॉर्मेट में बनाएंगे, 5 बाहर लिखेंगे, 30 अंदर लिखेंगे। 5 की टेबल पढ़नी है कि 30 आए या 30 से कम रहे। हाँ, 5 ऊपर देखो, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह लिख सकते हैं। तो 5 2 30, ये भी आपका कट जाएगा या 0 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिक्स का टेबल पढ़ो, कितनी बार आएगा ये सब मुझे आता है। सिक्स का टेबल हाँ, में कितनी? तो इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखना है बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड इन दोनों के लिए आपको टेबल डालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए हमने लास्ट टाइम कहा था कि 10 तक तो टेबल सभी को याद होने चाहिए। 10 तक टेबल याद कर लोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आसान और इजीली हो जाएगा। और अगर टेबल में प्रॉब्लम आएगी बेटा, तो फिर आपको ये न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप बार बार लिखोगे, काउंट करोगे, तो इसलिए टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 डिवाइडेड 4, शॉर्ट करना चाहते हो 2 डिवाइडेड 7 और 60 डिवाइडेड 10, ठीक है। अब ये हम जिससे पूछेंगे अब वो बताएगा मुझे। पहला क्वेश्चन है 32 डिवाइडेड 4, इसको डिवाइड फॉर्मेट में करिए, और हमने बाहर किया, 32 को हमने अंदर लिखा डिवाइडेड। अब आदित्य मौर्य, चलिए बताइए, जिनसे पूछेंगे वही बताएगा। आदित्य मौर्य, चलिए सॉल्व करिए इसको। 32 डिवाइडेड बाय 4,
अदिति ठीक है, ये हमने इसको कट कर दिया, टू में से टू गया कट हो गया, थ्री में थ्री, तो आंसर आपका आ गया, आंसर इज इक्वल टू 8. वेरी गुड आदिति, आपका सवाल सही था. नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 डिवाइडेड 7, डिवाइड बाय फॉरवर्ड में लिखिए इसको, 42 अंदर करिए, 7 बाहर आ गया आपका. ठीक है, अब अनुष्का कुमारी, अनुष्का कुमारी चलिए आप बताइए, चलिए बताइए जल्दी से, 6 में आता है या 7 में आता है? अनुष्का कुमारी बोलिए, 6 में 32 कब आता है? 7 के टेबल में, 1 मिनट सर, 42 हां 6 में आता है. अब हम तो आप तो हमारा गलत करा देंगे. सिक्स जा 7 सिक्स जा 42. वेरी गुड अनुष्का, आपका भी सही रहा, टू में से टू कट गया, फोर में से फोर कट गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड फॉर्मेट में लिखिए इसको, 60 अंदर लिखेंगे, 10 बाहर लिखेंगे. तीसरा नाम शो कर रहा है संभवी मालविया, संभवी yes, sir. चलिए अब आपकी बारी, सभी से हम पूछेंगे क्वेश्चन. 10 सिक्स 60. वेरी गुड, 60 इधर से 6 लिख सकते हैं, हमने कहा था ऊपर भी लिख सकते हैं, 0 से 0 गया कट गया, 6 किए हैं, लगभग लिखा आता है नहीं. 72 डिवाइडेड 8, 81 डिवाइडेड 9, 54 डिवाइडेड 9. अब बारी आती है सिद्धांत. सिद्धांत बेटा आप बताएंगे ये वाला, हम लोग इसको पहले डिवाइड के फॉर्मेट में लिख लेंगे. ठीक है, इस तरह बना के 8 को यहाँ बाहर लिखा जाता है हमेशा. ठीक है, और 72 इसको हमने अंदर लिख लिया. ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करिए आप. वेरी गुड सिद्धांत, चलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया कि ये वाला 8 की टेबल हो गई है, कोशिश करिए. सही बात है, एक बार जब लगा दें तो उसको वहां रख के छूना नहीं. चलिए, 8 की टेबल आती है आपको बेटा? सर हाँ सर, एक सिर्फ फोन हम लोग का ऑफ हो गया, ऐसे वो हम लोग का हटाइए ना, देखे तो खोल जाए, वीडियो नहीं आ रहा, एक चल हटाइए. तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा सब यहाँ से चालू है बेटा, तुम्हारा ठीक करो, तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा. चलिए अच्छा, ये अभी हो गया सिद्धांत तुम्हारा. कौन बताएगा ये वाला सवाल? नाम बताओ, किसका नाम शो नहीं कर रहा बेटा यहाँ पे? आदिति आपका हो गया, अनुष्का आपका हो गया, सिद्धांत की प्रॉब्लम आ गई है, संभवी आपका हो गया, आदिति का दो जगह शो कर रहा है. कोई और हो है ऐसा जिसका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, वहां पे कनेक्ट कर रहा है, अपना नाम बता सकता है हमको यहाँ से? कौन बताएगा ये वाला सवाल? 8 डिवाइडेड 72. हाँ ये वाला सर, 8 पे. हाँ सर. हाँ 8 पर. 8 पर कौन बोल रहा है? पहले अपना नाम बताया करिए, तो जब कॉमन क्वेश्चन सबसे हो रहा है तो नाम बता के बताया करिए ना, तो हमें पता चले हाँ कौन सही बोल रहा है, किसके साथ प्रॉब्लम आ रही है. सिद्धार्थ आपका ठीक हुआ? चलो आदिति, अच्छा हम नाम सही पूछेंगे. आदिति महोदय yes, चलिए आप बताइए ये वाला, आप सॉल्व करिए, आपको आता है. तो मैं बताऊं? आदिति नहीं, कौन बताएगा? आदिति का कहना है कि 9 होगा. संभवी आप बताइए, क्या ये सही बोल रही है? कौन सा सर?
यही वाला आदित्य ने बोला कि 9 होना चाहिए, आप बताइए क्या होगा, 9 बार जाएगा 9 टाइम जाएगा या कुछ और आंसर आएंगे संभवी? संभवी है। और अनुष्का आप बताइए असंभवी? सब सही है। सही है हाँ, तो 8 9 72 वेरी गुड आदित्य। 9 बार सही है, वेरी गुड आदित्य संभवी अनुष्का, आप तीनों को सही रहा जवाब। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 1 9 कौन बताएगा ये वाला? सर मैं। नाम बताइए। सर अनुष्का कुमारी। सर मैं। चलिए सर 9 9 9 सबका कह रहा 9 है। ठीक है 9 9 81 ओके, 1 में से 1 गया कट, 8 में से 8 गया, ये भी कट हो गया। ठीक है, अब है ये 54 divided 9 तो 54 और ये 9। ठीक है, ये कौन बताएगा? सर मैं। सिद्धांत। सिद्धांत सर से। चलिए ठीक। ठीक है, सही आंसर था। आप लोगों को पूरी तरीके से सवाल आ चुका है डिवाइड का, ये पेज नंबर 70 का क्वेश्चन था। और इसमें और कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल ऐसा लग रहा है कि जो आप नहीं कर पाओगे तो पूछ सकते हो? नो सर। आगे बताऊं फिर नेक्स्ट? अब हम लोग करते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है सिद्धांत, आप आ गए? सिद्धांत बोलो। हेलो सर। हाँ चलो, एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा, बहुत छोटा सा। ठीक है, तुम अभी नए नए जुड़े हो इसलिए तुमसे चलो ये वाला पूछता हूँ। 24 divided 4। ठीक है, ये है देखिए आपको क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने डिवाइड फॉर्मेट में लिखा 4 एंड ये 24। ठीक है, अच्छा ये वाला सवाल सॉल्व करिए। चलिए क्या 4 की टेबल आती है आपको? हाँ। पढ़िए 4 की टेबल पढ़ना है आपको, कब तक? क्या हुआ? हेलो। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं करो तुम। 4 की टेबल आपको पढ़नी है, 24 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ठीक है। 424 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 24 4 6 24 वेरी गुड 4 6 24 4 में से 4 गया कट हो गया, 2 में से 2 गया ये भी कट हो गया। ठीक है ना, समझ गए? वेरी गुड, आ गया आपको, बस आप टेबल याद कर लोगे अच्छे से, अगर नहीं याद है तो आगे और बड़ा सवाल भी कर लोगे। ठीक, मुझे 13 तक की टेबल अच्छे से लाने, 7 8 की उतना ऐड करता हूं थोड़ा। वेरी गुड, अभी आप 10 तक भी याद कर लोगे, सेकंड क्लास में हो तो बहुत अच्छे से है, जो भी आपके सिलेबस का है वो काम कर लोगे। ठीक है, इसलिए यस सर। अभी वर्ड प्रॉब्लम हम लोग आते हैं। का तो हमें कपल एज हो गया है। नाउ देखो वीडियो वर्ड प्रॉब्लम पहला क्या है, पहले मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ फिर बताता हूँ। कोई भी बटन नहीं दबाना चाहिए आपको। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ
कभी भी अब ना छूएगा, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन आपका है, नीति डिवाइडेड 20 टॉफीज इन 5 चिल्ड्रन इक्वली। नीति ने 20 टॉफीज को 5 चिल्ड्रन 5 बच्चों में बराबर बांट दिया, ठीक है? हाउ मेनी टॉफीज डिड ईच चाइल्ड गेट? तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफीज मिली है, ठीक है? सर how many toffees each child get, ठीक है? तो एक बच्चे को कितनी टॉफी मिली है आपको ये बताना है। टॉफी कितनी थी सबसे पहले ये चीज हमको देखना है, 20 टॉफीज थी, ठीक है? और कितने बच्चों में बांटी गई? आज हमसे भी कुछ पूछिए कौन है भैया, नाम बताइए। हाँ, सबसे पूछ रहा हूँ मैं, एक बच्चे से मैंने एक सवाल सॉल्व करवाया है, ठीक है? तो सबसे पहले उसको डिवाइड फॉर्मेट में लाते हैं, ठीक है? 20 हमने अंदर लिख दिया और 5 हमने बाहर लिख दिया। अब 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 20 होनी चाहिए। हाँ, तो 5 4 20, ठीक है? 0 से 0 कट, 2 से 2 कट, तो आंसर आपका आया, आंसर इज इक्वल टू 4, यानी कि हर बच्चे को 4 टॉफीज मिली है, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे इस सवाल में? नो सर। नो सर। सारा पीडीएफ में मैंने भेजा है ना आप लोगों को? यस सर। किसने किसने कॉपी में उतारा? सर मैंने कर भी लिया। वेरी गुड। कॉपी में उतार लोगे तो आपके पास सेफ रहेगा, इनकेस भूल जाते हो तो आप उसको दोबारा कॉपी खोल कर देख सकते हो, ठीक है? कैसे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 64 marble are shared equally among 8 children. How many marbles चाइल्ड गेट? सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है 64 मार्बल्स आर शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 8 चिल्ड्रन। 64 मार्बल्स है जो 8 बच्चों में शेयर किया गया, ठीक है, बांटा गया है। हाउ मेनी मार्बल्स डज ईच चाइल्ड गेट? इसमें भी आपको बताना है कि बच्चे को आपको कितने मार्बल्स मिले हैं, ठीक है? इस तरह क्वेश्चन में डिवाइड किया जाता है। वेरी गुड, 64 अंदर लिखेंगे, 8 बाहर, 8 जा 64, ठीक है? 4 में से 4 में 0। हाँ बोल, सुन रहा हूँ। पहले सर ऑनलाइन ऑफ कर दीजिए प्लीज, क्योंकि मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। क्या कर दूं? ऑफ कर दीजिए, फोन ही मेरा चालू नहीं हो रहा है। मतलब जो होगा तुम्हारा उधर से होगा, इधर से कुछ नहीं होता है, ठीक है? यहाँ से हम लोग कुछ भी नहीं करते, वो जब आप वहाँ से ऑन करोगे, आप करोगे, वो सब कुछ आपके हाथ में है। पासवर्ड आपके पास है, मेरे पास है। तो आप वहाँ से कनेक्ट कर लोगे तो यहाँ शो करने लगोगे, वहाँ से हटा दोगे तो यहाँ से बैठ जाओगे। हम लोग यहाँ से किसी को नहीं करते, ठीक है ना? आप वहां से कनेक्ट खो रहे हो, आपका नाम दिख रहा है यहाँ पे सिद्धांत, ठीक है? और आप कनेक्ट भी हो, ठीक है? थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी नेटवर्क आपको उधर नहीं रहता है, इस वजह से दिक्कत आ जाती है, उसके लिए परेशान हो।
नेटवर्क आ रहा है सिद्धांत आपके मोबाइल में? हेलो हेलो हाँ सर, ऐसा है वो कुछ फंक्शनिंग में गड़बड़ी हुई है हमारे, तो अच्छा कुछ दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है वो लगवा कि इसने इसने कोई बटन दबा दिया इसी वजह से शायद हो। क्योंकि यहाँ पे आपकी वीडियो ओपन है, यहाँ से दिख रहा है, जैसे सारे बच्चों का वैसे आपको भी शो कर रहा है, बच्चे का नाम भी आ रहा है सिद्धांत लिख के। अच्छा आप एक काम कर लीजिएगा, अभी इसका वो रिकॉर्डिंग हो रही है, YouTube पर डाल दिया जाएगा इसको 15-20 मिनट बाद, तो वहां से आप ना एक बार सर्च करवा दीजिएगा। ठीक ठीक, और फिर भी कोई प्रॉब्लम मोबाइल में आती हो तो एक बार आप 10 बजे तक आके फिर समझ लीजिएगा। हाँ ठीक है सर, वो हम लोग का क्लियर आवा वो छूने से ही हुआ हम समझ में। हाँ हो सकता है कभी कभी छोटा सा मोबाइल पे सरक गया, उठाया टच हो गया कहीं, तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। हाँ वही है कुछ। ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन है, पहले समझा ही देता हूँ। 60 मैंगोज आर इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग 12 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी मैंगोज डज ईच चाइल्ड गेट। कह रहा 60 मैंगोज, 60 आम है, 60 आम है जो कि 12 बच्चों में इक्वली बराबर से डिवाइड किया गया है, उनको बांट दिया गया है। हाउ मेनी मैंगोज डज दिस चाइल्ड गेट। तो आपको बताना है कि रिपीट हो रही है, आवाज रिपीट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपकी आवाज रिपीट हो रही है। अच्छा चलो हो रहे हैं, तो हो रही तो उसको क्या करना है, हमें 12 बच्चों में 12 बच्चों में 60 आम को इक्वली डिवाइड करना है, तो जितने जितने आएंगे उतने हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है क्वेश्चन उतारू डायरेक्ट करके बता दूं, डायरेक्ट बता दूं। चलिए 60 आम है, 60 आम है, तो हमने 60 आम लिख लिया और बच्चे कितने हैं 12, है ना, बच्चे हैं हमारे पास 12 बच्चों में 60 आम को इक्वली डिवाइड करना है। तो आप उसके बाद ये देखना है कि प्रत्येक बच्चे को, हर बच्चे को कितने आम मिले। तो सबसे सिंपल इसका 12 की टेबल पढ़ेंगे। हाँ 12 5 60, 0 से 0 कट हो गया, 6 से 6 गया, ये भी कट हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ऐसे लिखिएगा ANS आंसर इज इक्वल टू 5, है ना, या 5 मैंगोज आप लिख सकते हो, 5 मैंगोज। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है, अ वीक है 7 डेज, एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी वीक्स विल हैव 21 डेज, तो कितने सप्ताह में 21 डेज होंगे। ठीक, डिवाइड कर लो 7 / 21, अब 7 की टेबल पढ़नी है, कितनी बार जाएगा। कौन बताएगा, हेलो आवाज आ रही तेरी, अब्दुल समद अहमद, अब्दुल समद आवाज आ रही मेरी, बताइए, आपने एक भी जवाब नहीं दिया मेरे ख्याल से, बताइए ये वाला। 1 week में 7 डेज है ना, तो 21 डेज में कितने वीक होंगे ये आपको बताना है। चलिए बिल्कुल फॉर्मेट मैंने बना दिया है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, सर 3 weeks, हाँ
सेवन थ्री जा 21, ओके, वन में से वन गया कट हो गया, टू में से टू कट हो गया, तो 21 डेज में 7 3 वीक्स होंगे, ठीक है। आंसर बराबर लिख दो, आंसर इज इक्वल टू 3 WWE, ठीक। आ गया सबको समझ में? यस सर। अच्छा ये बताओ, इसमें क्वेश्चन आया था वीक, वन वीक में 7 डेज होते हैं, सबको पता है ना? यस सर। तो चलिए कौन कौन से डे होते हैं बताइए मुझे। संभवी सर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। वेरी गुड। और आदिति आप भी बताइए, बताए ना? वेरी गुड। और सिद्धांत अभी आवाज आ रही? हाँ बताइए। फोन चालू हो गया, बोलिए। चालू हो गया, बताइए। वन वीक में 7 डेज होते हैं ना, पता है आपको? क्या? वन वीक में 7 डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं? 7 डेज। 7 डेज कौन कौन से होते हैं पता है आपको? नाम बताइए मुझे, कौन कौन से डे होते हैं बताइए। हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। वेरी गुड, ठीक है। और सबको पता है ना ये चीज? यस सर। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 90 बॉयज आर डिवाइडेड इनटू टीम ऑफ 9 ईच। 90 बॉयज हैं, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, 90 बॉयज आर डिवाइडेड इनटू टीम्स 9 each, how many teams are made, ठीक है। 90 boys है। हाँ सर, into means क्या होता है? into, yes sir, into multiply का के लिए बोला जो होता है, मल्टीप्लाई में इनटू लगता है, मल्टीप्लाई के लिए इनटू होता है। ये कौन सा इनटू पूछ रही हो? अच्छा ये पूछ रही हो यहाँ पे, अच्छा वो अलग पूछ रही हो, इनटू पूछ रही हो। तो देखिए 90 बॉयज हैं, हमने 90 बॉयज लिखा और टीम कितनी बन रही है आपकी? 9 टीम बन रही है ना। 90 बॉयज आर डिवाइडेड इनटू टीम्स 9 ईच, हाउ मेनी टीम्स आर डिवाइडेड टीम्स मेड। हाँ तो 9 बच्चों की टीम बन रही है आपकी, ठीक है, 90 बॉयज में। सर ये बहुत सर, सर बहुत आसान। सर 10, सर 10, हाँ 9 10 जा 90, ठीक। आपका ये कट हो गया, 0 में से 0 गया कट हो गया और 9 में से 9 गया ये भी कट हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 10 10 टीम। कितनी टीम बनेगी आपकी? 10 टीम, ठीक है। जिससे बच्चे लगे रहे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फिफ्टी सिक्स ट्रीज, ठीक है, आर प्लांट इन रो ऑफ
56 पेड़ जो है वो लगाए जा रहे हैं, कितने लाइंस में, 8 लाइन में, ठीक है। हाउ मेनी रॉस आर देयर, कितने रॉस बनेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। 8 ठीक है। सब में देखे डिवाइड का चैप्टर है तो सारा सब कुछ डिवाइड ही हो रहा है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, 8 की टेबल पढ़ो। 7 ठीक है। 8 की टेबल 7 बार पढ़ेंगे 56 आ जाएगा। 6 में से 6 गया, कट गया, 5 में से आंसर आपका हो जाएगा 7 ठीक है। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, ठीक है। चैप्टर 6 मैंने भेज दिया था, शायद 7 भेजा था, पीडीएफ नहीं भेजा है। जो पीडीएफ रह गया है वो भी आपका मे बी कल हो सकता है आ जाएगा, ठीक है। अगर एक चैप्टर भेजा, एक चैप्टर और भेज दूंगा, 6 और 7 जो आपका सिलेबस है यूनिट 2 का, फिर हम बता दे रहे हैं, खूब अच्छे से उसको रिवीजन करिए। मल्टीप्लाई है चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है डिवीजन, ठीक है। फोटो नहीं आ रही, फोटो नहीं आ रही है, वहां से ऑन कर लो वीडियो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे अगर किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से, पूछिए। तो चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 से कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट फ्राइडे हम रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। और टेबल सब लोग याद करिए बेटा। हाँ बोलो सर, मंडे और ट्यूसडे को कौन सी क्लास चलेगी? मंडे को किस चीज से क्लास चलता है आपका? मंडे को हिंदी चलता है क्या? चलता है क्या? मंडे और ट्यूसडे को कौन सी क्लास चलेगी? मंडे को क्या चलता है? हिंदी इंग्लिश चलता होगा, हिंदी इंग्लिश चलेगा मंडे ट्यूसडे हिंदी इंग्लिश। और सर ट्यूसडे को? ट्यूसडे को तो बता रहा हूँ ना, मंडे और ट्यूसडे। ओके सर। और वेडनेसडे क्या चलता है आपका? एक दिन ईवीएस होगा है ना, और एक दिन मैथ्स आपका रहता है, एक दिन कंप्यूटर आपका रहेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल फाइल सब बना रहे हो ना? यस सर। हाँ, जिसने असाइनमेंट ना लिया हो बेटा आज आकर ले लो और उसका प्रैक्टिकल फाइल बनाइए और 3 दिसंबर तक मुझको उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका नंबर आपका सही रहता है। हाँ हाँ, पूरी फाइल सबमिट कर दीजिएगा, फिर एग्जाम होने के बाद वो फाइल आपको चेक करके नंबर चढ़ा कर वापस कर दी जाएगी, ठीक है, फिर फाइनल में मंगाऊंगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास ये खत्म करते हैं, ठीक है बेटा, आज की क्लास ये खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इसको प्रॉब्लम अगर कुछ हुई होगी तो यूट्यूब में देख लीजिएगा, और नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग 6 और 7 चैप्टर का रिविजन करेंगे जो आपका सिलेबस है। ओके, गुड बाय। Goodbye. Bye, sir. Goodbye, sir. Bye-bye.